See the banking transactions. Yesterday also I told you that these transactions basically we have done with indirectly. Because most of the time I was telling you that if you receive check, you have to write bank instead of cash. Like insurance claim, about insurance claim also I have discussed with you that whenever the insurance company gives you the claim, the amount directly goes to your bank. So in that case also you are debiting bank account. So directly or indirectly, hum ye discuss kar chuke hain, but he has made a separate topic here. We are going to pick it today. Banking transactions. If I purchase the goods and I make the payment by check, to kya entry hogi? Purchases to cash na likhe, I will write to bank. Right? If I sell the goods on cash, और मैं अपने कस्टमर को बोलती हूँ तो मेरे को कैश मत दे, मेरे को चेक दे दे, तो मैं कैश डेबिट नहीं करूंगी, आई विल डेबिट व्हाट? बैंक. सो इन दैट केस बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड टू सेल्स. डन. अब कुछ नया हम सीखते हैं. बिजनेस हाउस अपना बैंक में एक अकाउंट खोल के बैठा है. मेरे और आप जैसे लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, बिजनेसमैन के हमेशा बैंक में करंट अकाउंट होते हैं. Current account means that is a running account. Anytime you can deposit the money in that account, there is no restriction. Anytime you can withdraw the money from that account, there is no restriction at all. So, जो भी आपके पास daily cash surplus में रहता है, वो आप अपने पियून को भेज के या क्लर्क को भेज के बैंक में जमा करवा देते हैं. So now I am going to tell you the entry when cash is deposited into the bank. When cash is deposited into bank. Cash gaya bhai, deposited into bank. Cash gaya, credit word goes out. It means ki entry mein cash ko credit karna banta. Bank mein paisa jama ho raha hai, bank is receiver. Debit the receiver, to entry banegi bank account debited to cash. Will you agree? Cash is going out. Real account kehta hai jo cheez ja rahi hai use credit kar dijiye. और बैंक को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. बैंक हमारा पैसा रिसीव कर रहा है और हमारे अकाउंट में जमा कर रहा है. रूल इज क्लियर? अब उलट भी तो हो सकता है. जब मेरे को पैसे की जरूरत है, आई कैन विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, देन रिवर्स एंट्री, लेकिन विद लॉजिक. व्हेन कैश इज विथड्रॉन, हमें जरूरत है, हम लोगों ने कैश विथड्रॉ किया फ्रॉम बैंक, व्हाट विल बी द एंट्री? Cash is coming in, debit what comes in, cash aaya, credit the giver, kisne diya? Bank ne. Hamara apna cash hai to bank ne hame diya. So see the students, online students, cash account debited to bank, right? When you deposit the money, bank account debited to cash. When we withdraw the money, cash account debited to bank. Any doubt to anyone? So anytime he can introduce the cash और बैंक ट्रांजेक्शंस. अच्छा, अगली कुछ एग्जांपल्स और करते हैं. ये जो मैंने एंट्री करवाई है ना बेटा, दिस इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज. कई बार क्या होता है, यू आर विड्रॉइंग द कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तब वो ड्रॉइंग है. आप बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो, तब एंट्री क्या होगी? व्हेन, लेट मी राइट द हेडिंग, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक for personal use. What is coming in? Drawings account debited to bank. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैश बिजनेस में नहीं आ रहा. कैश किस फॉर्म में निकलवाया मैंने? ड्रॉइंग्स के फॉर्म में. सो इट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, बैंक इज गिवर टू बैंक. अगर आप अपने पर्सनल पर्पस क्यों के लिए पैसा विड्रॉ नहीं करते, बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, देन कैश इज टू बी डेबिटेड. बट वंस यू आर विड्रॉइंग द मनी फॉर योर पर्सनल यूज, देन ड्रॉइंग्स इज टू बी डेबिटेड. राइट? नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुनील एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक. इसका मतलब क्या होगा? चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमित, लिख लेते हैं फ्रॉम सुमित. आपको पता है चेक अपने आप में एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है. जब तक आप उसे बैंक में जमा नहीं करवाएंगे, वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा. तो आपको चेक मिला, आपने उसी दिन ही बैंक में जमा करवा दिया एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक.
एक दो दिन में, अगर आउटस्टेशन चेक है तो एक दो दिन लग जाते हैं, 1 वीक कई बार बोलता है बैंक के लग जाते हैं। यू आर लिविंग एट जलंधर एंड यू रिसीव द चेक फ्रॉम दिल्ली सम ब्रांच, दिल्ली के किसी बैंक का आपको चेक मिला, तो इट विल टेक टाइम। यू जस्ट डिपॉजिट योर चेक इन टू द बैंक, डिपॉजिट डिपॉजिटेड इन टू बैंक। चेक रिसीव्ड, कैश तो नहीं आया, ठीक है, बैंक में पैसा जाएगा, जो चेक मिला है वो बैंक में पैसा जाएगा, तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुमित। सुमित इज गिवर ना, सुमित ने मेरे को क्यों चेक दिया होगा, सुमित माइट बी माई डेटर, सुमित ने मेरे पैसे देने होंगे, तो वो कहता मेरे पास कैश नहीं है, चेक ले लो। सो वी रिसीव चेक फ्रॉम सुमित, गॉट इट? सो व्हेन यू रिसीव चेक, इट इज योर ड्यूटी टू डिपॉजिट इट इन टू द बैंक। यस, अगला भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, चेक रिसीव फ्रॉम सुमित गॉट डिसऑनर्ड। कभी आपने वर्डिंग सुनी है चेक बाउंस हो गया, अकाउंट्स में चेक बाउंस होने को बोलते हैं डिसऑनर हो गया। पहले इसका मीनिंग सुनो, डिसऑनर, दो तीन दिन के बाद बैंक में चेक वो लगा, बैंक वालों ने हमें इन्फॉर्म किया कि सुमित के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, सुमित ने आपको चेक तो दे दिया लेकिन उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो हम आपके अकाउंट में वहां से ट्रांसफर क्या करें? या बैंक वालों ने बोला पैसे तो हैं लेकिन सुमित के सिग्नेचर नहीं मैच कर रहे, या चेक फटा हुआ है, या चेक में कटिंग हुई है। जिस चेक पे कटिंग हुई होती है तो भी बैंक वालों को शक हो जाता है अमाउंट वगैरह चेंज करी होगी। सो देयर कैन बी सो मेनी कॉजेस फॉर डिसऑनरिंग ऑफ द चेक, बट द मेजर कॉज इज ऑलवेज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कैश इन द अकाउंट, मींस आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या अकाउंट में 10,000 है, आपने 1,00,000 का चेक दिया, कैश कम है। यू आर गेटिंग मी? सो दैट वी कॉल डिसऑनर ऑफ चेक। तो अगला पॉइंट उसने क्या बनाया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमित डिपॉजिटेड इन टू बैंक, बट बैंक इंटीमेटेड अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक। बैंक ने इंटीमेट का मतलब हमें इन्फॉर्म किया। सो आई एम राइटिंग इट पॉइंट वाइज, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमित डिपॉजिटेड इन टू बैंक but got dishonored, right? So this is the point, read it carefully. Check received from Sumit, deposited into bank but got dishonored. जब आपको चेक मिला आपने बैंक में भेज दिया, लेकिन वो चेक बैंक वाले कहते हैं कि क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। हो सकता है सुमित के अकाउंट में पैसे ना हो सकता है सुमित के साइन ना मिले हो, कारण कुछ भी हो, चेक तो डिसऑनर हो गया, मींस कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ। नाउ यू विल इन्फॉर्म, यू एज अ बिजनेसमैन विल इन्फॉर्म सुमित कि तेरे तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, हमें तो मिला ही नहीं पैसा। तो उस केस में आपने क्या करना है, पहली एंट्री क्या करी थी जब चेक मिला था, बैंक टू सुमित, ये किया था। इस एंट्री का रिवर्स करना, क्यों करना, आई विल टेल यू। जब चेक डिसऑनर होता है पहली एंट्री को रिवर्स कर दो, बैंक का बैलेंस इस एंट्री में आपने बढ़ा दिया था, यहां पे आपने कम कर दिया, और सुमित को दोबारा से अपना डेटर बना लो। ही वॉज योर डेटर वेन ही गेव यू द मनी, तो आपने उसका डेटर का बैलेंस कम कर दिया था बाय क्रेडिटिंग हिम। अब दोबारा से आपने सुमित को अपना क्या बनाना है, डेटर। और जैसे ही आपने बैंक को डेबिट किया था, आपने ये बोला था कि बैंक में मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो तो बढ़े ही नहीं, गेटिंग मी? तो बैंक को क्या कर दो, क्रेडिट। सो व्हेनेवर डिसऑनर ऑफ चेक इज देयर, वी ऑलवेज डेबिट द पर्सनल अकाउंट एंड वी क्रेडिट द बैंक अकाउंट, दिस इज अ रूल। हाउ मेनी केसेस आई हैव डिस्कस, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन टू बैंक, चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड गॉट डिसऑनर्ड। सो 6 केसेस आई डिस्कस विद यू रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन। एनी डाउट टू एनीवन, यू आर ऑलवेज वेलकम। किसी को कुछ पूछना है? यस, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? सो यश, आप बुक नहीं लेके आए? हाँ, इट्स 17 फॉलोअप, C17 फॉलोअप, ऊपर लिखो जर्नल इन द बुक्स ऑफ सुधीर।
जर्नल इन द बुक्स ऑफ सुधीर, फॉर्मेट बनाओ, डेट, दिस इज फॉर पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो, दिस इज फॉर पर्टिकुलर्स, दिस इज फॉर डेट. यस, लेट्स बिगिन विथ पहली ट्रांजेक्शन पढ़िए, एंड इट्स ऑन 1st February. डेट का कॉलम यू विल फिल ऑन योर ओन, राइट? आप खुद फिल करना डेट का कॉलम. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हु इज रिसीवर इन दिस केस, व्हाट इज गोइंग आउट? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिख दूं, ठीक है? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1st February, बैंक अकाउंट डेबिटेड to cash account, what is amount? 94,000. हमारे पास surplus money रही होगी, हमने bank में जमा करवा दी. Narration लिखो, being cash deposited, this is comma. 94,400 लिख दीजिए, 94,400 being cash deposited. Come to next, cash withdrawn from bank. जब तक साथ में फॉर पर्सनल यूज नहीं लिखा, इट मींस कि बिजनेस यूज है. और कई बार वो लिख देगा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज का मतलब है बिजनेस यूज, ठीक है? सो व्हाट इज कमिंग इन, हु इज द गिवर? बैंक. कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक इज माय आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश? इज इट रियल पर्सनल और नॉमिनल? रियल, यस, वेरी गुड. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट? पर्सनल, because it is our internal liability, that is a personal account of my proprietor. आपको सारे accounts के nature पता होने चाहिए. What is the nature of prepaid expense? Representative personal. To be very specific, it is representative personal account, right? Cash account debited to bank account, being cash withdrawn. How much cash we are withdrawing from bank? 23,000. Digit के नीचे digit लिखा करो हमेशा. 23,300. Narration you will write yourself, being cash withdrawn from bank. Come to next. Check issued to Barinder. Barinder is receiver of check. And what is going out? My bank balance is coming down. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? और मेरा बैंक देगा ना उसको पैसे? मैंने तो चेक काट के दे दिया, मेरा बैंक देगा उसको पैसे? आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, बैंक इज गिवर, क्रेडिट द गिवर. Barinder is a receiver of the check. Barinder is my natural personal account, human being ka naam hai. Barinder account debited to bank account. Why I issued a check? Barinder will be my, or might be my, yes, creditor. Maine Barinder ko paise dene the, tabhi to check diya na. Theek hai, to Barinder mera creditor raha hoga. Barinder account debited, post of yes dal ke bhi Barinders likh sakte hain. To what bank account? कितने का चेक दिया हम लोगों ने बरिंदर को भाई? फिर से डिजिट के नीचे डिजिट, 35,500. 35,500 being a check issued. Come to next. See next transaction, everyone. Yes, next transaction में हमारे पास क्या है? Sudhir issued a check. Sudhir is the name of the proprietor. Firstly, mind this thing. Sudhir is the name of the proprietor. Means proprietor ने एक चेक इशू किया, सुधीर ने एक चेक इशू किया. काहे के लिए? उसने मोटरसाइकिल खरीदा था, लेकिन पर्सनल यूज के लिए. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, दैट्स इट. मोटरसाइकिल का नाम नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ एसेट ऑफ द बिजनेस, दैट ही इज बाइंग फॉर द पर्सनल यूज. डिसऑनर हुआ ही नहीं अभी, कहा हुआ डिसऑनर? हाँ, फिर नहीं, इसमें डिसऑनर बनेगा ही नहीं.
इसमें डिसऑनर नहीं, क्योंकि आप चेक किसी को इश्यू थोड़ा ना किया, आपने अपना पैसे लिए और बाइक खरीद लिया उसका। कौन सा वाला? ये वाला बेटे, चेक डिसऑनर तब होगा जब किसी थर्ड पार्टी को आप इश्यू करोगे, ठीक है ना। अगर आपके अपने पास पैसे हैं, ठीक है, या आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, फिर थोड़ा ना चेक डिसऑनर होना, राइट। और आपने खुद ही तो चेक काटा है, कोई और देगा चेक तो डिसऑनर हो सकता है, हम किसी को देंगे तो चेक डिसऑनर हो सकता है। सो दैट विल बी द डिफरेंट केस। सो हियर बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड बीइंग अ मोटरसाइकिल परचेस्ड एंड कैश विथड्रॉन फॉर द सेम फ्रॉम बैंक। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितने का बाइक खरीदा? वी बॉट इट फॉर 66,600, राइट। चेक रिसीव फ्रॉम निर्मल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। निर्मल ने हमें चेक क्यों दिया होगा बच्चों? निर्मल हमारा डेटर रहा होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निर्मल, अब ये चेक डिसऑनर हो सकता है दीपांशु, क्योंकि निर्मल ने मेरे, यस मैंने बोला ना, कोई हमें दे या हम किसी को दें तो चेक डिसऑनर हो सकता है। सो आई एम रिसीविंग अ चेक फ्रॉम निर्मल, आई एम इरेजिंग इट। I will deposit it into the bank. When I deposit it into the bank, bank is a receiver. दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, लेकिन बैंक को जब मैंने डेबिट किया तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, जब मैंने निर्मल को क्रेडिट किया तो मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निर्मल अकाउंट, निर्मल इज गिवर एंड निर्मल माइट बी अर्लियर माई डेटर, ही इज गिविंग मी अ चेक, ही इज मेकिंग द पेमेंट टू मी With amount rupees 77,700, हमने उसी दिन उसे बैंक में जमा करवा दिया 77,700। आगे पढ़ो, रीड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। यस, ऊपर वाला चेक डिसऑनर हो गया, इस एंट्री को रिवर्स कर दो बस। और लॉजिक के साथ मेरे को बताओ, निर्मल डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। निर्मल डेबिट होने का मतलब क्या? उसे दोबारा से अपना डेटर बना लो। बैंक क्रेडिट करने का मतलब क्या? बैंक का बैलेंस जो बढ़ा चुके थे उसको कम करो। या इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे चेक बैंक के पास जा रहा था तो मैंने बैंक को डेबिट किया, बैंक ने हमें चेक लुटा दिया ना, तो बैंक इज अ गिवर, क्रेडिट। बैंक इज रिटर्निंग बैक द चेक टू मी, बैंक कहता है अपना वापस ले जाओ, पेपर ही है, इसमें पैसे तो है नहीं। So bank is returning back the check to me. इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। So this will be Nirmal account debited to bank account. Being check got dishonored. बस इतना, तीन वर्ड का narration, चार वर्ड का narration. To bank account. Amount ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर amount है वही है इसकी भी, 777,000, right? So here we ends up with dishonor of the check. आगे चलो, electricity bill paid by check. Electricity bill account debited to bank. Bill pay किया, nominal account है उसे debit कर दीजिए, check के through payment कर रहे हैं, bank को credit कर दो भाई. हाँ जी, bill payable थोड़ी ना, this तो we are paying. Payable तो तब लिखेंगे जब पिछले साल का या पिछले महीने का रहता था, pay किया. Bill अकेला word लिख सकते हैं, electricity expenses word लिख सकते हैं, payable word नहीं लिख सकते, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, बिल को बिल ही बोलो, नाम भी चेंज करने की क्या जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, दोनों के साथ अकाउंट लगाइए, अकाउंट डेबिटेड। हाउ मच अमाउंट वॉज ऑफ द बिल? 14,400। कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, who will tell? Commission is our income, we are receiving the income and check is coming in, wo check mein bank mein deposit karwaungi. Bank account debited to commission received word likh do sath mein, in order to show to the examiner that this is our income, right? To akela to commission likhoge to bhi galat nahi hai, par better to show that it is an income, that's why we are crediting to commission received, to commission received. What is the amount here? 9900, 9900, being commission received by check.
or being only commission received, that will also work. So this is the way, and we completed our follow-up number 17, right? See the back exercise. Anji. हमारा चेक डिसऑनर होता है, हमारा क्रेडिटर हमें इन्फॉर्म करेगा, हम दोबारा से अपने क्रेडिटर को क्रेडिटर बना लेंगे, और जब उसे क्रेडिटर बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगा, क्योंकि जब मैंने पेमेंट करी है क्रेडिटर टू बैंक है, ही विल इन्फॉर्म मी कि तूने जो चेक दिया था वो क्या हो गया है, बाउंस, मैं दोबारा से उसे अपनी लाइबिलिटी बना लूंगी ना, ठीक है, तो आई विल कैंसल माई बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस मैं बढ़ा लूंगी, जो मैं चेक काट के बैठी हुई हूँ वो दोबारा वापिस आ गया, बैंक टू क्रेडिटर होगा। अब माइंड में करके देखो, जब आपने चेक इशू किया था तब क्या एंट्री करी थी, क्रेडिटर टू बैंक, अब क्या कर दो, बैंक टू क्रेडिटर, ठीक है। अगर मैं डेटर को अपना दोबारा से डेटर बनाती हूँ, व्हाई नॉट क्रेडिटर टू मेक अगेन हिम क्रेडिटर, राइट? सो दिस विल बी द वे। ऐसा होगा नहीं, हमेशा चेक वही डिसऑनर होगा जो आपने रिसीव किया है। भेजने वाले चेक को डिसऑनर के बारे में वो बहुत कम पूछता है, राइट? दैट ही विल नेवर आस्क। कम एट द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ही देखिए, सी फ्रॉम योर बुक, हैज ही मेड